तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम उठाते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। एक प्रॉब्लम मैं करा चुका हूँ तो उसको आप देख सकते हैं कि एक सिंपल इंट्रोडक्शन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। हम किस तरह से कोई भी हमें फंक्शन दिया हो तो किसी डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर कैसे इवेल्युएट करेंगे। इस केस में क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, इसमें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन हमारे पास दिया है, किस पॉइंट पे निकालना है वो भी दिया है, लेकिन कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू जो इस पॉइंट और क्यू कोई दूसरा पॉइंट है उसको ज्वाइन होने से, मतलब पी क्यू हमारा जो लाइन होगा उसके डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, बट एट द पॉइंट पी और इस फंक्शन के लिए निकालना है। तो लैंग्वेज हमें क्लियर होनी चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्पेशली फाइंड करने के लिए वेक्टर कैलकुलस में। तो ग्रेट, सबसे पहले हमारे फॉर्मूला हमें पता ही है कि डीएफ ओवर डीएस जो होता है, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है, दैट इज ग्रेड एफ डॉट ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द, जिसकी डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है तो उससे हम क्या करेंगे, ग्रेड एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के। तो एफ हमारे पास दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव आप आसानी से निकाल लेंगे, टू एक्स आई माइनस टू वाई जे फोर जेड के। फिर उसके बाद क्या करना होगा, किस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, हमें पी वन टू थ्री पे निकालना है, तो ग्रेड एफ की वैल्यू भी वन टू थ्री पर ही निकलेगी, तो टू आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व के, वन टू थ्री हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हमारे पास देखिए क्या है कि पी क्यू जो लाइन है वो हमें बनानी है, लेकिन उसके लिए पी और क्यू के पोजिशन वैक्टर दिए हैं, मतलब पॉइंट जब भी दिया होता तो पोजिशन वैक्टर हो गया, जैसा कि हम लोग वैक्टर में पढ़ते थे क्लास ट्वेल्थ में। तो पी वन टू थ्री हमारा पोजिशन वैक्टर पी का हो गया, और क्यू 5i504 जो है पोजीशन वेक्टर क्यू का हो गया। तो पी क्यू हम वेक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो 5i प्लस 4j 4k 5i प्लस 4k और माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k जो हमारा पी पॉइंट है। तो इससे हमारे पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर की मदद से हमारा पी क्यू लाइन आ गया। फिर इसके बाद देखिए, ए कैप हमारा वो यूनिट वेक्टर होता है जो किसकी डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन में हमें इवेल्युएट करना होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो पी क्यू की डायरेक्शन, मतलब लाइन पी क्यू की डायरेक्शन में अगर हमें इवेल्युएट करना है तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी वेक्टर, इसके अलोंग हमें क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, पी क्यू जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो 4i माइनस 2j प्लस k इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास ए कैप आ गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डीएफ ओवर डीएस डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू लाइन सेगमेंट। ओके, तो ग्रेड एफ की वैल्यू हमें पता है और ए कैप की वैल्यू हमें पता है, जस्ट सब्सिट्यूट करना, डॉट प्रोडक्ट निकालना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट।